गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। और गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठा था, करीब 6:30 बजे आज मैं उठा था। और आज संडे है तो उसका रीज़न ये था कि हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोग को अपनी टिकट बुक करनी थी। पहले हम लोग जा रहे हैं कोटा, मतलब दीक्षा के घर, मतलब दीक्षा के मायके या मेरे ससुराल, जैसा भी आप समझे। तो एज यूजुअल मैं ही उठा था 6:30 बजे। तुम बगल से उठ के बस ऐसे आँख खोल के देख रही थी, कुछ कर रहे ना, फिर सो गई थी। तुम अभी नींद से जगी नहीं हो मुझे लग रहा है, ये देखो ये अभी भी नींदों में, भूख लग रही है, आँख खुली नहीं, भूख लग रही है। चलो तो मैं तुम्हें साउथ इंडियन खिलाते हैं। तुम तैयारी कहाँ की कर रही हो सच दस के भाई, नीचे ही जा रहे हैं नाश्ता लेने ऐसे एकदम। ओ माई गॉड, तो चलो अब इनकी तैयारी हो गई है, हम लोग भी आगे चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है। तो चलिए, मिल जाएगी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात लग जाएगी। जैसे तुमने हमको चाहा था शिद्दत से। ओ प्लीज, ओ प्लीज। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो ये तब से हमारे कोई खा रही है हमारे सर को, तो इनको पहले खिला देते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। और आज देखते हैं दिन भर में पूरा क्या होता है और शाम की ट्रेन हमें मिल पाती कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चलो, और नाश्ता करने हम बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा था हम आज 11 बजे जाएंगे, तो हमने सारा सारा जो जितनी भी सब्जी बची हुई थी सब कुछ वो सब मैंने आंटी को दे दिया, काम वाली दीदी को। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है घर में, अब कुछ भी नहीं है, एक आलू भी नहीं है, एक टमाटर भी नहीं है, एक प्याज भी नहीं है। और जो हमने खाना बनवाया था वो हमारा अभी रखा हुआ है, वो हम लंच में खाएंगे, वही तो नाश्ते में खा नहीं सकते। तो तुम्हारी तो मौज आ गई, तुमको साउथ इंडियन मिल गया खाने को संडे को सुबह सुबह। साउथ इंडियन साउथ इंडियन क्या, साउथ इंडियन साउथ इंडियन क्या होता है यार तुम्हारी, तुम पहले दिन से बाहर निकलो, साउथ इंडियन मंजन करो, जाके जाओ पहले, तब नींद खुलेगी। साउथ इंडियन इनका, साउथ इंडियन चल रहा है। चलो खाते हैं कुछ, है ना, तुम जा तो पा रही हो मॉर्निंग वॉक के लिए, ठूसने जा रही है। तो मोटिवेशन तो ये है कि पैदल जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, है ना। पहले चाय पियेंगे, पहले चाय पियेंगे क्योंकि दूध भी नहीं है घर पे। एक डोसा, एक अपना मेंदू वड़ा कर देना, चलो पहले चाय पी के आते हैं वहाँ। तो हाँ, उधर है, पता नहीं चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी तो हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं डोसे वाले पे। और ये देखते हैं कुछ तो है, बच्चों बट रहा है तो तुम बटोर लो जाके, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। इनको देखो बट रहा है, क्या बोल रही है, वापस से बोलना क्या बोल रही है। बड़े बड़े लोगों ने डिब्बे ले रखे, तुम्हें मिठाई का डिब्बा चाहिए, कहाँ है देखो ना, सबके हाथ में। तुम्हें किसके हाथ में डिब्बे देखे, दो बड़ी लेडीज। ये लंबू कड़ा आ गया है यार, आज इतने जल्दी उठने का फायदा हुआ। हाँ यार ये तो है ना, आज तो जल्दी उठ गई, अच्छे वड़ा पाव बनना भाई, सबसे तगड़ी चीज। पुणे की कटिंग चाय स्पेशल, आज सुबह उठने का फायदा हो गया अपने को, है ना। हमको तो पता भी नहीं था कि हमारे घर के बाहर ऐसे कुछ हो भी रहा है, हमारे घर के बाहर ही हो रहा है। मेला लगा हुआ है, पूरा मेला लगा हुआ है। वो क्या बोल रहा था, क्या है ये, जुम्बा क्लासेस और ये सब, डांस स्ट्रीट, स्ट्रीट डांस स्ट्रीट, स्ट्रीट डांस या डांस स्ट्रीट ऐसा कुछ है। बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था, हां तो ये सब बच्चे हैं ना, वो देखो पीछे वो डांस वांस का कुछ चल रहा है उनका, प्लस थोड़ा सा साथ में प्रमोशन भी हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का। चलो अब ये जल्दी से चाय पीते हैं और घर चलते हैं, पहले अपना डोसा भी तो उठाएंगे वहां से साउथ इंडियन, फिर घर पे मिलते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो मैं इस लंबू के साथ फोटो खिंचानी है क्या, नहीं नीचे खड़ी हो जाओ लंबू के साथ फोटो खींच दे, तो मैं छोटे बच्चे इधर है। तो अभी हम स्टेशन पहुंच गए एंड हम लोग जल्दी निकल गए थे घर से, अराउंड 3:30 निकल गए थे क्योंकि हमें पता था कि मोदी जी आए हुए तो बीच में ट्रैफिक मिलेगा एंड मिला। एक जगह एक साइड से ट्रैफिक पूरा रोक रखा था, एक साइड से मोदी जी का आई मीन उनकी कार पास हो रही होगी, कॉन्वॉय पूरा उनका पास हो रहा था। जल्दी आ गए स्टेशन पे, बैठे यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के लगने का। तो शशांक बहुत खुश है, बहुत खुश है वो, तो जमीन पे ही नहीं है अभी, हवे में ही है वो, हवे में है वो। तो ऑब्वियसली घर जाने की खुशी किसको नहीं होती, इनको भी है लेकिन ये शो नहीं कर रही हैं। तो बस अभी है कि ट्रेन आ जाए, सामान लगा लें, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत
मतलब कचर पचर हो रहा है। कोल्ड कॉफ़ी आगे ला रही हो मैडम? कोल्ड कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। जाओ जाओ, फिर कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और देखते हैं, या तो अगर अभी ट्रेन नहीं लगती है तो वेटिंग रूम में जाएंगे पहले, या फिर यहीं कैंटीन में बैठते हैं। बट यहाँ बहुत भीड़ है, कोई मास्क नहीं लगाया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि सब ऐसे ही खा रहे हैं। तो चलो फिर देखते हैं अभी। अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि हमको करना है डिनर, लग रही है भूख। इस बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। जनरली क्या होता था कि इनको भूख लगती थी हमेशा ट्रेन में बैठते से, और इस बार मुझे लग रही है और इनका एकदम नॉर्मल है, इनको भूख नहीं लगी। नहीं, मुझे नहीं खाना क्योंकि आजकल मेरी डाइट कम हो गई है। ओह रियली? पतले हो रहे हैं। पतले हो रही हो तुम? और मुझे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा। तो अभी करीब बज रहा है 7:30। नीचे बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत कचर पचर हुई है, तो इसलिए हमने सोचा हम ऊपर आ जाते हैं, आराम से खाते हैं और फिर नीचे जाते हैं। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ जो बच गई थी हमारी, जो प्लान के हिसाब से थी सुबह के खाने के लिए, वो भी हैं। अचार वचार इन्होंने ट्रेन में खोलने से मना कर दिया, कह रही पूरी ट्रेन को तुम मुंह में पानी करवा दोगे। अचार भी तो घर जाके खाना, यहाँ नहीं खुलेगा, वरना सारे पूरे एसी डिब्बे में अचार की स्मेल होगी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाकी एक हमने वेज थाली मंगाई है, उसका ये बताएंगे खा के कि कैसी है। बट हाँ, दिखाता भी। और यहाँ पे अब ये आप लोग प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेन में अगर आप कोई भी खाना ले रहे हो तो प्लीज़ उसका बिल ज़रूर लो। बिल लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है और घपला बहुत कम होता है, ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ, वो पहले बिल नहीं दे रहा था, जब मैंने बिल बोला तब मुझे उसके रेट कुछ और ही पता चले, पहले वो मेरे से अलग रेट मांग रहा था। तो वो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखिए हमेशा करिए। हाँ हाँ जी मैम, ये हमने वेज थाली मंगवाई है, ये हमारी घर की पूड़ी है, ये रायता, रायता, ये एक मिक्स वेज, ये छोले, छोले हैं, छोले का, ये है अरहर की दाल, लेकिन पर ये बहुत पतली नहीं है, अच्छी है ये गाड़ी है, हाँ कंपैरेटिवली, हाँ ठीक लग रही है। ये है पनीर की सब्जी, जिसमें पनीर है, नहीं है, है पनीर है छोटे छोटे, एक आधी है, एक आधी है, ये चावल, और इसमें है रोटी, दो रोटी है बड़ी। ओके ओके, हमने हमारी निकाली है नमकीन, ये इनकी एवरग्रीन, राजस्थानी स्टाइल के खाने के साथ नमकीन तो बहुत ही जरूरी है, तो छोले तो अच्छे हैं। ओके, अभी पनीर खा के देखते हैं कितने छोले, 5-6 पनीर है, उससे एक पनीर खा जाती हूं मैं। फोटू पीस लिया है मैंने, ये छोटू है, हां ये भी वाह होगा, टेस्ट एक जैसा है। एक ही ग्रेवी है, मतलब है एक ही ग्रेवी, इसमें छोले डाले, उसमें पनीर डाला। ओके बस। ओके, और रायता? रायता में नमक नहीं है। नमक नहीं है? तो नमकीन डाल लो फिर। नमक नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब एवरेज ही है ना ओवरऑल? नहीं अच्छी है, अच्छी है थाली। ओके, मतलब हमने इतनी मतलब हमेशा खाते तो इस बार अच्छी लग गई मेरे को थाली। ओके ओके, और ये दाल जो है अच्छी गाड़ी है, इतनी पतली नहीं है। इसको भी बता दीजिए। दाल अच्छी है। तुम्हारी नजरें यार यहाँ इधर उधर क्यों होती है? यहाँ कौन है? यहाँ कोई नहीं है ना इस तरफ। खाना मुझे अब रोका नहीं जा रहा है, भूखा मैं था, टेस्ट ये कर रही है, तो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में खाने के। तो खाना हो चुका है और थाली जो थी मुझे तो एवरेज ही लगी, मतलब इनको थोड़ी बेटर लगी बट मुझे एवरेज लगी। मतलब हाँ ठीक है, मतलब मैं आई वुड स्टिल सजेस्ट ठीक घर से ही लाएँ, कोशिश वही करें। बट हमारा जैसे था कि हमारी सुबह वाली ट्रेन के हिसाब से खाना प्रिपेयर हुआ था, तो हम सब्ज़ी नहीं ला सकते थे क्योंकि वो ख़राब हो जाती है इतने रात तक, तो पूड़ियाँ उन्हें साथ दे दिया। बट बाकी जो थाली थी वो एवरेज थी, मैं उसको अगर नंबर दूँ तो 10 में से मैं उसको 5 या 6 से ज़्यादा नहीं दूँगा, इतना ही था। इनका एक बार पूछ लेते हैं क्या था, बताइए। मैं भी इतना ही दूँगी, 6 या फिर ये हो सकता है क्योंकि जब इनको भूख लग रही थी इन्होंने फर्स्ट इनिशियल बाइट्स खाए थे तो इनके एक्सप्रेशन थोड़े ज़्यादा अच्छे थे, तो उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन मेरी हाई हो गई थी। बट जब मैंने खाया तो फिर वही है, बस दाल बेटर थी, दाल चावल सबसे बेटर था, तो वो बेटर था, हो गया बस। अब ठीक है, अब वाइंड अप करते हैं, पूरा सामान समेट के वापस नीचे पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं। आप सो ही जाएंगे, थक ही गए, सुबह के जल्दी उठे हुए थे 6 बजे के, तो अब बस खा पी के निद्रा करने जाएंगे और आपसे मिलेंगे सुबह सीधा।
तो हम लोग पहुंच गए फाइनली कोटा और बहुत अंदर बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ मैंने स्टेशन पे मतलब बहुत टाइम बाद देखी है। लोग पता नहीं इतने चिल्ला क्यों रहे थे सब कुछ। तो बस आ गए फाइनली कोटा शहर, पहुंच चुके हैं मैडम जी का घर। खुशी के मारे एकदम फूल चुकी है, मास्क के अंदर की हंसी नहीं दिख रही है इनकी। कुछ भी, मैं इनके घर जाती हूँ तब भी मैं इतनी खुशी होती, पर वो चीज नहीं इनको बोलनी है, वो चीज मेंशन नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मेंशन अब जब जाएंगे तब मेंशन करेंगे ना, अभी तो यहाँ आए तो बस वही है। और इस व्लॉग में इतना ही था, हमारी एकदम अर्जेंट सी जर्नी, अनप्लान्ड सी जर्नी थी जो फाइनली सक्सेसफुल हो गई। हम पहुंच गए, थोड़ा लेट पहुंचे, ठीक है अल्टीमेटली पहुंच गए। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। और वो आ गए घर वाले, घर वाले भी आ गए, तो बस अब एंड करते हैं। ये देखिए घर वाले आ गए, चलिए चलते हैं। बाय बाय।